नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आवर ऑनलाइन क्लासेस. इन पार्ट वन वी हैव डन द चैप्टर नंबर टू, पीपल एज अ रिसोर्सेस फ्रॉम योर इकोनॉमिक्स बुक. दिस इज योर चैप्टर नंबर टू. इन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, in which I describe you what is the primary activity, what is the secondary and what is the tertiary sectors. Fine. Now for today topic is quality of population. Just because we are our chapter name is human as a resource, so human means jo people hain, जो पॉपुलेशन है कंट्री की. अब पॉपुलेशन तो यानी कि बहुत सारे जो लोग होते हैं जो कंट्री में रहते हैं वो सब पॉपुलेशन में आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लगा दिया गया पॉपुलेशन के साथ, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. इसका क्या मतलब है? इट्स डिपेंड ऑन द लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट मीन्स हाउ मैनी पीपल आर एजुकेटेड ऑफ दैट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, एंड हेल्थ ऑफ द पर्सन, और कितने लोग क्या हैं, हेल्थी हैं. द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री. जिस भी कंट्री की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा एजुकेटेड है, लिटरेसी रेट जितना ज़्यादा है, या जो हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, लोग बहुत ज़्यादा जो है हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो उस वो कंट्री जो है वो उतनी ही क्या करेगी, ग्रोथ करेगी. ग्रोथ हम यहाँ पे इकोनॉमिक चैप्टर है हमारा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ से हम ले रहे हैं. एक बार फिर से, व्हाट इज़ द मीन ऑफ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन? इट डिपेंड्स ऑन द लिटरेसी रेट एंड द हेल्थ ऑफ अ पर्सन. द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ ऑफ कंट्री, यानी कौन सी कंट्री कितनी ग्रोथ करेगी, ये किस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा एजुकेटेड है और कितनी ज़्यादा हेल्थी है. अब यहाँ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे. पहला है आपका एजुकेशन और दूसरा है आपका हेल्थ. फाइन, क्योंकि इन दोनों का ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है. ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट होता है किसमें, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में. बट हम अभी जो ये चैप्टर है उसमें हम ये दो जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे, रोल ऑफ एजुकेशन एंड रोल ऑफ हेल्थ. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द एजुकेशन? एजुकेशन का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है किसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ में. एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एज अ होल. अगर एक कंट्री में जो लोग हैं वो एजुकेटेड हैं, तो यानी कि कहते हैं ना, अगर एक पर्सन फैमिली में एजुकेटेड होता है तो सारे फैमिली मेंबर्स क्या हो सकते हैं, एजुकेटेड. तो एज अ होल, सोसाइटी एज अ होल, अगर लोग एजुकेटेड है तो सोसाइटी अपने आप एजुकेटेड होगी. सोसाइटी एजुकेटेड है तो कंट्री में वो उतना ही ज़्यादा क्या दे पाएंगे, अपना कंट्रीब्यूशन. इट इन्हेंस द नेशनल इनकम. क्या इन्हेंस होती है, क्या बढ़ती है, नेशनल इनकम. कल्चर रिचनेस, कल्चर के लिए क्या होते हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, रिचनेस. एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, यहाँ तक कि उस कंट्री की जो गवर्नेंस उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इफ़ देयर सिटीजन्स आर एजुकेटेड. फाइन, अगेन एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एज अ होल. इट इन्हेंस द नेशनल इनकम, क्या होता है, नेशनल इनकम इन्हेंस होती है. And the culture richness and increase the efficiency of the governance. Now next point is about the health. The health of a person helps him or her, male or female कोई भी हो सकता है, health of a person helps to realize their potential and the ability to fight the illness. अब health की बात करते हैं तो हम यहाँ पे दो ही चीज़ें पढ़ेंगे, ability to fight illness, यानी कि वो person जिसमें बहुत ज़्यादा illness को fight करने की क्या है, ability है, immunity power कह सकते हैं, strong है. तो वो अपने skills का, अपनी knowledge का उतना ही ज़्यादा क्या कर पाएगा, use कर पाएगा. Fine, if I am वेरी एजुकेटेड, ओके आई एम एजुकेटेड बट आई एम नॉट हेल्थी, सो आई कॉन्ट कन्वे द माई नॉलेज टू अदर पीपल.
So there is no role about the education. It means without health, education is incomplete. अगर आप हेल्थी नहीं है तो आप अपनी एजुकेशन, अपने पोटेंशियल, अपने स्किल्स का उतना यूज नहीं कर पाते. इसलिए आप अगर एजुकेटेड हैं तो आपका हेल्थी होना भी उतना ही ज़्यादा एसेंशियल फीचर है. एंड अनहेल्दी पर्सन बिकम अ लाइबिलिटी. एक अनहेल्दी पर्सन है वो क्या बन जाता है, लाइबिलिटी. लाइबिलिटी को आप कहते बोझ, ठीक है. एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन वेयर इज द हेल्थी पर्सन इज असेट. असेट होता है संपत्ति बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लाइबिलिटी को बोलते हैं बोझ. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन काम कर रहा है, बहुत एजुकेटेड है, लेकिन अगर वो अनहेल्थी है तो वो क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा, बोझ बन जाएगा. लेकिन अगर वो पर्सन हेल्थी है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या काम करेगा, असेट का, असेट यानी संपत्ति, उसके लिए उतना ही आउटपुट निकाल पाएगा. अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल थिंग्स. पहला फर्स्ट टॉपिक विच वी हैव डिस्कस्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी. प्राइमरी सेक्टर इन विच वी हैव डिस्क्राइब अबाउट द एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, इट मीन्स प्रोडक्शन, रिलेटेड टू द प्रोडक्शन. सेकेंडरी सेक्टर्स इन विच मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शंस वर देयर. टर्शरी सेक्टर्स प्रोवाइड द सर्विसेज टू द प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. सेकेंड वॉज द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. इट्स डिपेंड ऑन द लिटरेसी रेट एंड द हेल्थ ऑफ अ पर्सन. द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री. इट इंक्लूड्स टू फीचर्स, एजुकेशन एंड हेल्थ. एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एज अ होल. एजुकेशन अगर है तो ये कहें एजुकेशन पूरी सोसाइटी, कुछ लोग एजुकेटेड हैं फैमिली में तो सारी सोसाइटी को क्या कर सकते हैं, एजुकेशन. यानी एजुकेशन से सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही है. वी आर, इफ वी आर एजुकेटेड वी आर अवेयर अबाउट आवर राइट्स ऑल्सो. इट एनहेंस द नेशनल इनकम, कल्चर रिचनेस एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नेंस इफ पीपल सिटीजन्स आर एजुकेटेड ऑफ दैट कंट्री. अबाउट द हेल्थ, हेल्थ इज अ पर्सन हेल्प्स हिम एंड हर to realize their potential and the ability to fight illness. An unhealthy person become a liability for the organization, whereas a healthy person is a asset. This is all about the quality of population. Quality of population means more and more citizens should be healthy and educated of that country. And it also the enhance the economic growth of the country. The investment in the human capitals through education, training, medical cares, just like the investment in the physical capital. अब हम बात करें कि जितना ज़्यादा investment करती है कोई भी government या जिस भी को जो भी country है, किस पर, health पर और education पर. It can be seen directly in form of higher income earned because higher productivity of more educated or the better trained person as well as the higher productivity of the healthier people. क्योंकि अगर आप educated हैं, अगर आप healthy हैं, तो आप उतना ही ज़्यादा क्या कर सकते हैं, production कर सकते हैं. So students, after the explaining the quality of population, role of health and education, now next topic is the people as a resource. This is the name of your chapter. What do you mean by the people as a resource? It is a way to referring to a country's working people in the term of their existing productivity, skills and ability. Yani ki us country's ke log जो वर्किंग पीपल हैं, जो वर्क कर रहे हैं. फाइन, एक डायग्राम किया था हमने पॉपुलेशन पिरामिड में इन क्लास 8 ऑल्सो, कि 0 से 14 ईयर तक की जो भी एज ग्रुप है वो डिपेंडेंट ग्रुप में आता है. इसके बाद जो 15 से 59 ईयर का जो ग्रुप है वो है प्रोडक्टिव, यानी जो वर्क करता है, और लास्ट में 59 से अबव ये फिर आ जाते हैं डिपेंडेंट. नाउ दिस फर्स्ट ग्रुप डिपेंडेंट, सेकंड ग्रुप डिपेंडेंट एंड थर्ड ग्रुप इज प्रोडक्टिव. यानी ये फर्स्ट
और जो सेकंड ग्रुप है जो डिपेंडेंट ग्रुप है वो किस पर डिपेंड होता है, प्रोडक्टिव ग्रुप पर, यानी कि फॉर एग्जांपल यू आर द डिपेंडेंट ग्रुप, आप बच्चे हैं, आपको हेल्थ एजुकेशन आपको जो भी चीज़ें चाहिए कौन अवेलेबल कराता है, आपके पेरेंट्स, फाइन। तो जो लोग वर्क कर रहे हैं वो किस में आएंगे, वो कंट्री के लिए क्या होंगे, रिसोर्स, अपने प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटी का वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। यानी पॉपुलेशन में से अगर हम 0 से 14 और 59 से अबाव को हटा दें तो कितना ग्रुप बचता है, बहुत, और यही ग्रुप है जिसका इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो इट्स अबाउट द पीपल एज अ रिसोर्स। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बिकम कंसिडर्ड अ लाइबिलिटी। जब हम व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस देर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग दैट टाइम, एजुकेशन वर नो देयर, पुअर्टी वर देयर, सो द इट हैज़ बीन कंसिडर्स एज अ लाइबिलिटी। तो ज़्यादातर पॉपुलेशन क्या थी, लाइबिलिटी, बोझ, रादर देन असेट, असेट नहीं कह सकते थे क्योंकि वो प्रोडक्टिव नहीं थी उस वक्त, बट इन अ लार्ज पॉपुलेशन नीड टू बी अ लाइबिलिटी, इट कैन बी टर्न इन टू द प्रोडक्टिव असेट, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारी पॉपुलेशन पर, गवर्नमेंट बहुत इन्वेस्टमेंट करती है हेल्थ पर, एजुकेशन पर, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन रही है, प्रोडक्टिव बाय द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। हमारा चैप्टर इसी के बारे में, किस तरह से ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बने, प्रोडक्टिव। आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में दो स्टोरीज है, स्टोरी ऑफ सकल एंड स्टोरी ऑफ विलास। आई एम एक्सप्लेनिंग दीज टू स्टोरीज बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड द दिस टॉपिक ऑल्सो। स्टोरी ऑफ सकल। There were two friends, Vilas and Sakal, living in the same village, Simapur. Sakal was a 12-year-old boy. His mother, Sheila, looked after domestic charos and his father, Bhuta Chaudhary, worked in the agriculture field. Fine. Uski mummy ghar ka kaam karti thi, uski father field mein work karte thi. Sakal helped his mother to domestic चोर्स, वो जो भी डोमेस्टिक वर्क करते थे सकल उनकी मम्मी की हेल्प कराता था। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हर यंग ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू। हिज अंकल श्याम हैज पास हिज द मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन बट वॉज सिटिंग आइडल इन द हाउस एज हैड नो जॉब। उसकी जो अंकल हैं टेंथ पास हैं बट उनके पास कोई जॉब नहीं है। बूटा एंड शीला वर एगर टू टीच सकल। इसीलिए बूटा और जो उसकी वाइफ है वो चाहते थे कि उनका बेटा सकल है जो एजुकेशन ले। दे फोर्स हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल। उन्होंने उसे फोर्स किया कि वो स्कूल ज्वाइन करे। एंड हिज फादर परसुएड हिम टू कंटिन्यू टू स्टडी। उसने हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास किया, उसके बाद उसे आगे की स्टडी के लिए भेजा। ही रियलाइज अलोन टू ही रेस्ट अलोन फॉर सकल टू हिज स्टडी एंड वोकेशनल कोर्स इट्स कंप्यूटर। उसने उन्हें कंप्यूटर का एक कोर्स कराया। सकल वॉज द मेट्रिकुलस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडी फ्रॉम द बिगिनिंग। वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था। कौन? सकल। विद अ ग्रेट Vegas is enthusiastic. He complete his course. After some time, he got a job in a private firm. He even designed a new kind of software. His software helped him increase the sale of the firm, and his बॉस एक्नॉलेज हिज सर्विसेज एंड रिवॉर्ड विथ हेम अ प्रमोशन। अब देखिए यहाँ हमने बात की सकल की, किस तरह से उनकी फादर मदर ने, हालांकि वो मदर डोमेस्टिक वर्क करती थी, फादर एक फार्मर थे, लेकिन उन्हें एजुकेशन की वैल्यू पता थी। उन्होंने पूरी कोशिश की, यानी इन्वेस्टमेंट किया, किस पर, सकल पर, कि वो एजुकेशन ले और एजुकेशन लेने के बाद वो अच्छा अर्न कर सके, और यही पॉसिबल हुआ। तो एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। विलास के साथ, विलास की स्टोरी भी आप पढ़ेंगे, इसमें क्या था, विलास जो था, एक तो उसे एजुकेशन नहीं मिली, हेल्थी एनवायरनमेंट नहीं मिला उसे, दूसरा वो बीमार था, और हालांकि दोनों ही बच्चे फ्रेंड्स थे बट एक पे इन्वेस्टमेंट किया गया, दूसरे पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया। तो ये तो बन गया असेट, किसके लिए, फैमिली के लिए भी और कंट्री के लिए भी, और विलास बन गया लायबिलिटी। तो देर आर सो मैनी थिंग्स टू बिकम अ ह्यूमन एज अ रिसोर्स। आप भी रिसोर्स बनेंगे तब जब आप अपनी एजुकेशन का उतना ही ज़्यादा यूज़ करेंगे, आप हेल्थी होंगे।
So this is all about this topic. Now we will discuss the what are the education policies and health policies of the government which are applying in our country, and what are the benefits and what are some disadvantages also. So thank you student for this topic. Next topic was education and health policies of the government.